अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद का एक्सक्लूसिव लाइव ब्रॉडकास्ट साहिल नज़ीर वाणी के साथ। नाज़रीन आपको बता दे, अभी हम मौजूद है नॉर्थ कश्मीर के हाथरस सिंहपुरा पट्टन में। हालांकि यहां पर एक सुमो स्टैंड भी है जो किरमानी सुमो स्टैंड के नाम से मशहूर है। वहां पर कई सारे ड्राइवर्स होते हैं और जो नेशनल हाईवे 44 के साथ में ही है। आज यहाँ पर मौजूद है DYSP ट्रैफिक मुजाहिद नज़ीर, जो बारामूला कुपवारा और जिनको एडिशनल चार्ज है जिला बड़गाम की, वो आज ड्राइवर्स को यहाँ पर आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, ड्राइवर्स को अवेयरनेस देते हैं रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन, रिगार्डिंग सीट बेल्ट, रिगार्डिंग ओवर स्पीड और रिगार्डिंग प्रॉपर लैंड ड्राइविंग के बारे में। यहाँ पर आज ये प्रोग्राम जारी है, बड़ा रास्ता आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। मुजाहिद नज़ीर DYSP ट्रैफिक बारामूला कुपवारा, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो कई सारे ड्राइवर्स है जो किरमानी सुमो स्टैंड में मौजूद होते हैं और यहाँ से डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल होती है, चाहे बागम की बात करें, नौगांव की बात करें, शादीपुरा की बात करें, तो लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि हमने इससे पहले DYSP मुजाहिद नज़ीर से बात की, मुजाहिद नज़ीर का यही कहना रहा, हम हर दिन चालान ही नहीं करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुजाहिद नज़ीर का ये भी कहना रहा, इनका बुनियादी फर्ज ये भी है कि ड्राइवर्स को अवेयरनेस दी जाए, ड्राइवर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाए रिगार्डिंग ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। बड़ा रास्ता आप विश्वास में देख सकते हैं, याद रखें जब तक आपके आप पूरा इत्मीनान के साथ आप देखो क्या स्पीड है, जो भी प्रिस्क्राइब स्पीड है, जो कानून आपको यहाँ स्पीड लिमिट बोलता है वही उसी हिसाब से चलो, उससे ज्यादा चलाओगे आपको चालान है। याद रखिए, अपनी भी जान बचाओ, लोगों की भी बचाओ, ठीक है। हमारा मकसद है आप लोगों की जान बचाओ, वायलेशन जब करोगे आप तो पकड़े जाओ, ठीक है। और आप वादा करते हो कि हम आज से पूरा चलेंगे कानून के ऊपर, ठीक है वो ये जो भी है गाड़ियां, आज फिर गाड़ियां कोई नहीं चलाए, जब तक वो फिट नहीं होगी तब तक वो, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो नाज़रीन आपने यहाँ पर देखा नॉर्थ कश्मीर के हाथरस सिंहपुरा पट्टन में, जहाँ पर किरमानी सुमो स्टैंड के जो ड्राइवर्स है, आज DYSP ट्रैफिक मुजाहिद नज़ीर ने यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया है और कई सारे ड्राइवर्स यहाँ पर मौजूद है। मजीद हमारे साथ इस लाइव स्टेशन में DYSP ट्रैफिक मुजाहिद नज़ीर बात करने के लिए तैयार है। सर, आज जो आपने एक अच्छा स्टेप यहाँ पर लिया है, अक्सर यहाँ पर गाड़ियों का रश रहता है, अवेयरनेस प्रोग्राम आपने यहाँ पर क्रिएट किया है, यहाँ पर ड्राइवर हजरात भी मौजूद है, तो खास बात क्या रही इनके साथ? बिल्कुल, इनको आपने भी सुना होगा, मैंने इनको समझाया है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप रैश ड्राइविंग से परहेज कीजिए, ओवरटेकिंग जो रैश ड्राइविंग करते हैं वो उससे परहेज कीजिए, ओवरलोडिंग से परहेज कीजिए, ओवरलोडिंग अनफिट गाड़ियां कोई नहीं चलाएगा, कोई भी ड्राइवर, ये उसकी जाती जिम्मेदारी है कि अगर वो अनफिट ड्राइविंग अनफिट गाड़ी चलाएगा तो उसकी ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकती है, और ओवरलोडिंग से वो बिल्कुल परहेज करें, और जो पैसेंजर्स उस गाड़ी में बैठते हैं उनकी उनका जो ख्याल रखना है, वो किस साइड से उतरेंगे किस साइड से नहीं उतरेंगे, ये इनके ऊपर जिम्मेदारी है। इनको मैंने समझाया कि खासतौर जो भी वायलेशंस है, अनइंश्योर्ड गाड़ियां ये नहीं चलाएंगे, पोल्यूशन जिसने नहीं किया होगा उस गाड़ी को भी वो भी नहीं चलाएंगे, वो चलाएंगे जो सारी हर हिसाब से जिनके डॉक्यूमेंट्स बराबर है। सर, आप अक्सर यहाँ पर ड्राइवर्स करते हैं, लास्ट टाइम भी आपने यहाँ इसी सुमो स्टैंड को लेकर एक ड्राइव चलाई थी, मैक्सिमम क्या खामियां नजर आती है? बिल्कुल, आप देखिए कि हमारा ओवरलोड का मसला यहाँ पर ज्यादा है जी। तो वो हमने इसके बारे में अपने जो RTO साहब ARTO साहब से उसे बात की है कि कोई भी रूट है उसमें आप प्रॉपरली गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ताकि लोगों को परेशानी, आबादी के हिसाब से आप वहां पर गाड़ियां दीजिए, हमने रिक्वेस्ट किया उसको, तो वो इंशाल्लाह उसने बोला मैं पूरा ये करूंगा, कोई मसला नहीं है, जो जो उसी हिसाब से वो परमिट भी दे देंगे इनको। हाँ, जो भी गाड़ियां विदाउट परमिट है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उनको बाजाबता उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और एक और बुरी बात है जो हमारे आजकल ड्राइवर साहिबानों में है कि वो जब भी ड्राइव करते हैं वो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, इससे परहेज कीजिए, इस ये भी एक कारण होता है एक्सीडेंट्स का। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस चीज से बिल्कुल परहेज कीजिए, क्योंकि इसमें ध्यान आपका भड़क दूसरी तरफ जाता है। और एक जरूरी सवाल है यहाँ पर, कई सारे ड्राइवर्स का ये भी कहना है जब वो ड्राइव करते हैं, नेशनल हाईवे की बात करते हैं, नेशनल हाईवे पर ऑल ऑफ सडन उनको चालान आता है, किस हद तक ये बात सही है? नहीं नहीं, ऑल ऑफ सडन तो किसी को नहीं है, जब तक कोई वायलेशन नहीं होगी तब तक चालान नहीं आएगा। हाँ, मैं हो सकता है कभी कभार वो जब हम उसमें नंबर रिपीट करते हैं
तो जिसको जिसने वायलेशन की है उसका नंबर नहीं, किसी और का नंबर उसमें फिगर्स में वो थोड़ा बहुत हेरा फेरी हो जाती है कि वो गलतियां से मैनुअल हो जाता है, तो उससे वो हो सकता है। उसके लिए मैंने कहा है कि वो बाजाबता नीचे लिए वायलेशन, जिसने जिसने ये वायलेशन रिकॉर्ड की है या मतलब अफसर है जिसने चालान किया है उसका नाम लिखा होता है और उस किस एरिया का है, उससे आप कॉन्टैक्ट कीजिए या डायरेक्ट मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, हम उसका ये चालान ठीक कराएंगे। Exactly. सर कई सारे जो पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं तवेराज में सुमाज में, वो कभी कभार ये शिकायत भी करते थे कि जो ड्राइवर्स है वो ज्यादा तेज गाड़ियों को ड्राइव करते हैं, क्या उस चीज को आप मॉनिटर करते हो? बिल्कुल, आपने देखा होगा अब हम हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं, वो मॉनिटर हो जाएगा, जहां पर भी ये ओवर स्पीडिंग हो जाएगी वहां पर ये मॉनिटर हो जाएगा, उनको बाजाबता चालान आ जाएगा। तो सर आज मौसम भी वेट है, बारिशों का सिलसिला जारी हो गया है, आज के दिन के लेकर क्या मैसेज आप ड्राइवर्स को पास ऑन करना? हाँ बिल्कुल, इस वक्त आप देखिए इनको अपनी जो स्पीड है ना वो थोड़ी कम करनी चाहिए ताकि इस वक्त स्लिपरी रोड है, ऊपर से आप देख रहे हो कि ये ज्यादा स्लिपरी इसलिए है कि यहाँ पर नेशनल हाईवे पे जो काम चल रहा है ये मिट्टी थोड़ा बहुत टायरों की वजह से आ जाती है रोड। सर इनके खिलाफ आप चालान करते हो क्योंकि ये बड़े कंपनीज के लोग होते हैं या बड़े बड़े फर्म्स के साथ काम करते हैं, क्या इनके खिलाफ भी चालान होता है जिनके टिपर्स में मिट्टी लोड होती है? बिल्कुल, आपने अभी देखा होगा हम इस वक्त टिपर्स का ही चालान कर रहे थे, कोई लिहाज नहीं है, जो भी वायलेटर है वो कोई भी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई है। शुक्रिया। तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ DYSP ट्रैफिक मुजाहिद नजीर जो बारामूला कुपवाड़ा और जिनको एडिशनल चार्ज है जिला बड़गाम की, आज नॉर्थ कश्मीर के सिंहपुरा पटन में ड्राइवर्स के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन रहा, अवेयरनेस प्रोग्राम रहा, जिनमें कई सारे ड्राइवर्स को ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप राइट साइड पे भी पैसेंजर को ना उठाए और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है जिनमें RC पोल्यूशन ड्राइविंग लाइसेंस ये साथ होने चाहिए, और DSP ट्रैफिक का यहाँ पर ये भी कहना है कोई VIP कल्चर नहीं चलेगा, जो भी वायलेटर्स है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिनकी फॉर्मेलिटीज बिल्कुल कंप्लीट है वो आराम से थ्रूआउट इंडिया ड्राइव कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये थी आज की एक खास पेशकश नॉर्थ कश्मीर के हाथरस सिंहपुरा पटन से, आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे तामिल इरशाद।